हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके किसी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सचिन रावत और आज मैं अडेनियम के प्लांट्स को बीज से ग्रो करने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अडेनियम का प्लांट आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में आप अडेनियम के बीज बो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट समय जो रहता है वो मार्च से लेकर अगस्त तक का रहता है। सर्दियों में अडेनियम के बीज धीमे जर्मिनेट होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए आप मार्च से लेकर अगस्त तक के बीच में ही अडेनियम के बीज बोएं। और दोस्तों, अडेनियम के बीज बोने के लिए हमने ये प्लास्टिक की ये ट्रे ले ली है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ये 35 रुपये की आती है और इसमें हमने नीचे से छेद कर दिया है जिससे कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ना जमा होने पाए। और इसमें हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का बराबर बराबर का मिश्रण ले लिया है और इसके अलावा हमने थोड़ी सी रेत भी मिलाई है। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूर पर छेद करके छोटे छोटे गड्ढे बनाकर ये बीज डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ध्यान रहे दोस्तों, आपको बीज बोने के बाद हल्का सा आप चाहे तो फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, फंजीसाइड का घोल, जिससे आपके मिट्टी के मिश्रण में या फिर बीज में फंगस ना लगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसमें हल्की सी वाटरिंग कर देंगे और इसे धूप वाली जगह में रख देंगे। कुछ ही दिनों में, लमसम 1 से 1.5 महीने में इनमें छोटे छोटे अडेनियम के पौध आ जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारे जो पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी उस जो हमने सीडलिंग ट्रे में ग्रो किया हुआ था, सारे प्लांट्स उन्हीं सीड्स के हैं जो हमने 6 इंच के नर्सरी पॉट में ट्रांसफ़र किए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हुए हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अडेनियम को बीज द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।